मैं हूं आपका दोस्त राइडर सैम। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मेरा जो राइडिंग गियर है उसका मैं आपको रिव्यू जरूर करवाऊंगा। पूरा राइडिंग गियर है वो आप जरूर देखिए, और जो मेरी बाइक है KTM उस पर वो सूट करता है तो आप भी उसको जरूर देखिए, ताकि आप भी जब आप राइडिंग गियर लेने जाए तो आपको भी पता चले कि किस टाइप का राइडिंग गियर उसको सूट करेगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं मैं जब राइडिंग गियर पहन कर आता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, तो जैसे कि आप देख रहे हैं ये मेरा पूरा राइडिंग गियर है। मेरी आवाज अब तक जा रही है नहीं जा रही पता नहीं, लेकिन ये मेरा पूरा राइडिंग गियर कंप्लीट हो चुका है। और ये पूरा XDI का राइडिंग गियर मैंने लिया है, एक ही कंपनी का लिया है, XDI एक्सट्रीम डायनामिक। आप देख सकते हैं XDI यहाँ पर भी है, XDI है, पैंट भी मैंने लिया है वो भी है XDI का, शूज भी मेरा XDI का ही है। और XDI ब्रांड मुझे बहुत ही अच्छा लगा। प्राइस वाइज अगर देखा जाए तो प्राइस तो सभी का सेम ही आता है, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा रहता है, लेकिन अगर जो मुझे मेरा जो बाइक है वो बाइक पे सूट करने वाला मुझे राइडिंग गियर चाहिए था, जो मुझे मिला XDI से, जिसमें ऑरेंज व्हाइट स्ट्रिप भी है। और हाँ, प्रोटेक्शन गियर तो सभी का सेम ही रहता है, जैसे कि देखिए यहाँ पे दिया हुआ है पूरा प्रोटेक्शन गियर दिया हुआ, हैंड ग्लव्स XDI का जो है वो बहुत ही लेदर वाला, बहुत ही अच्छा ग्रिप मिलता है इस पर। यह मैं पिछले 3 महीने से यूज़ कर रहा हूँ, बहुत ही अच्छा इसका कंफर्ट मिला है इस XDI में। यहाँ पे शोल्डर को भी इसको प्रोटेक्शन दिया हुआ है, बैक में भी प्रोटेक्शन दिया हुआ है दोस्तों, पैरों में दोनों साइड पे दिया हुआ है, यहाँ पे आगे नीज को दिया है पूरा। शूज तो फुल्ली प्रोटेक्शन उसको दिया हुआ है अगर आप देखेंगे। और ये हम लोग जैसे कि गियर शिफ्ट करते हैं तो यहाँ पे लेदर अपना कट हो जाता है, इसीलिए उन्होंने ये दोनों साइड में दिया हुआ है, यहाँ पे इसको हार्डनेस किया हुआ। ठीक है दोस्तों, और रिफ्लेक्टर हर पैंट से लेके शूज से लेके हर चीज़ को रिफ्लेक्टर दिया हुआ है। यहाँ पे भी रिफ्लेक्टर दिए हुए हैं, पीछे भी रिफ्लेक्टर दिए हुए हैं, पैंट पे भी दिया है, शूज़ पे भी आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, दोनों साइड में रिफ्लेक्टर दिया हुआ है। ठीक है, XDI ये अभी सर्विस वाइज तो मुझे बहुत ही अच्छा सर्विस मिला है इसका, XDI का हमारे इधर भी मिलता है इसका, पुणे में भी मिलता है। मैंने पुणे से जैकेट लिया था, वहाँ पे भी मुझे अच्छा सर्विस मिला, और मैंने इसको बहुत सारे राइड में यूज़ किया है, 2 बार मैंने वॉश भी किया है, फिर भी आप देख सकते हैं कि ये जस्ट लाइक अ न्यू। आप देखिए इसको मैंने पूरी तरह से वॉश किया है 2 बार, और बारिश के दिनों में मैंने इसको यूज़ किया है। और इसका जैसे कि दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ, ग्लव्स जो है ये दोनों ग्लव्स को इधर वाइपर दिया हुआ है, अपना जो हेलमेट जो रहता है उसको वॉश आउट करने के लिए वाइपर दिया हुआ है। XDI का लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए शेयर कर दूंगा दोस्तों, आप भी देखिए XDI की वेबसाइट पे जाइए, आप चेक कर सकते हैं, इनका बहुत सारा प्रोडक्ट्स है। और आपके जो नज़दीक वाला जो डीलर रहेगा, डिस्ट्रीब्यूटर रहेगा, वहाँ से आप इनको ले सकते हैं, बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है XDI का दोस्तों। हेलमेट का तो रिव्यू मैंने पहले पार्ट में किया हुआ है, तो आप ये है इसका जैकेट, ये है इसका जैकेट दोस्तों। और इस जैकेट में तीनों लाइनर दिए हुए हैं, तीनों लाइनर मतलब ये अपना प्रोटेक्शन गियर का है, उसके बाद ये है जो हम लोग बारिश में यूज इसको करते हैं, उसके बाद ये है अंदर वाला, तीसरा वाला जो है ये विंटर लाइनर है। अगर हम लोग
हम लोग यूज करते हैं, अगर ठंडी के दिन में यूज करना चाहते हैं तो ये कर सकते हैं, बारिश में इसको यूज कर सकते हैं, या फिर प्रोटेक्शन गियर तो अपने पास है ही दोस्तों, तो आप देख सकते हैं अपने को जिस हिसाब से चाहिए उस हिसाब से हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। पैंट सेम, पैंट का भी तीनों लाइनर है, मैंने निकाल के रखा है आपको दिखाने के लिए। ये है विंटर वाला लाइनर है, और इसको अलग भी कर सकते हैं अगर अपने को नहीं चाहिए तो। यह है विंटर लाइनर, इसको मैंने निकाला हुआ है। और दोस्तों ये जो है, ये जो हम लोग बारिश में यूज करते हैं वो वाला लाइनर दोस्तों, आप ये देख सकते हैं। और XDI यहां पर भी इन्होंने एक अच्छा फैसिलिटी दिया है, जब भी बहुत ज्यादा गर्म होता है, इनको गर्मी बहुत ज़्यादा लगता है पैरों को, तो हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं, ऐसे निकाल सकते हैं इसे लेस, यहाँ पे इस बटन को लगाने के बाद पूरा वेंटिलेशन यहाँ पे अपने को मिलता है। दोनों साइड में ऐसा फैसिलिटीज दिया हुआ है XDI ने। और पॉकेट की अगर बात की जाए तो दोस्तों हर लाइनर में पॉकेट दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए इस दोनों साइड में दिया है, इस साइड में भी दिया है, यहाँ पर भी दिया है, दोनों साइड में दिया है, देखिए ये दोनों साइड में दिया है। पैंट पैंट में भी देखिए दोस्तों दोनों साइड में, और यहाँ पे पीछे भी दिया हुआ है। और पैंट देखिए दोस्तों, इसको हम जैसे चाहिए वैसे एडजस्ट कर सकते हैं ये बेल्ट को लगाकर, अपना जो जैकेट है जैकेट को भी हम लोग बेल्ट के थ्रू इसको जैसे चाहिए वैसा हम लोग टाइट कर सकते हैं। तो ये रहा दोस्तों मेरा राइडिंग गियर जो मुझे आपको दिखाना था। मैंने इसके पहले बहुत सारे राइड्स किए लेकिन मैंने कभी YouTube पे वीडियो नहीं डाला, और मेरा राइडिंग गियर भी कंप्लीट नहीं था, अभी मेरा राइडिंग गियर कंप्लीट हो चुका है। तो दोस्तों एंजॉय कीजिए और मेरे वीडियो को, अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए और शेयर करना ना भूलिए। तो दोस्तों मिलते हैं जरूर